नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए निकल के आ चुका है। कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट जो है आपके मोबाइल में मिलते रहे। तो लेटेस्ट क्लर्क की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है जी दोस्तों। इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और आगे आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए चलते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की ओर। और इसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। तो इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ अप्लाई करने की, तो वो रहने वाले 27th of October 2022। तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई करिएगा, ऑनलाइन है। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो 18 से लेकर 37 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि नोटिफिकेशन के अंदर जो सैलरी है क्लर्क की वो कितनी रहने वाली है। तो इसके अंदर जो क्लर्क की वैकेंसी है उसके लिए 10,300 से लेकर 34,800 सैलरी आपकी रहेगी, प्लस इसके अंदर आपको 3200 ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी सैलरी, एक स्टार्टिंग सैलरी है क्लर्क की ये। तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करिएगा। और इसके अंदर सबसे पहले आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है वो बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होने वाला है, देन आपका स्किल टेस्ट होगा और उसी बेसिस पे आपकी इसके अंदर सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आपकी एज लिमिट जो है, जैसे मैंने आपको बताया वो एज रिलैक्सेशन आपको जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको मिलने वाली है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना है अपने, जो भी जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेक करके आपको अप्लाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपका 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। देन आपका जनरल नॉलेज रहेगा जो कि नेशनल का ही रहेगा, इंटरनेशनल नहीं है। और मैथमेटिक्स जो कि 10th स्टैंडर्ड तक की आपकी मैथमेटिक्स है, उसी के बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। देन आपके मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। और जो आपका टेस्ट रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। तो इसके अंदर मार्किंग प्रोसीजर जो रहेगा, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का एक मार्क है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसके अंदर होने वाली है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, अगर आपका एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप नेक्स्ट जो है राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं। सो इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जिसके भी, जैसे आपके मार्क्स सेम आ जाते हैं किसी के भी, तो जिसकी एज हायर होगी उसको इसके अंदर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपकी एज रिलैक्सेशन कितनी आपको मिलने वाली है, तो रिजर्व कैटेगरी को जो कैंडिडेट हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट के हैं उनको 18 से लेके 42 ईयर तक के हैं, ओबीसी को 40 ईयर तक के हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 47 ईयर तक की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट रेगुलर एम्प्लॉइंग है 45 ईयर तक के कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये नोटिफिकेशन हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आउट किया गया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। सो और कोई आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, आपको सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगा नई अपडेट के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।